दोस्तों, शेंगेन वीज़ा में थोड़े से रूल चेंज होने की खबर आ रही है। सुना है रूल कैसे चेंज हो रहे हैं? ज़्यादा बड़े भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बड़े भी हैं। अगर हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, शेंगेन वीज़ा एक टूरिस्ट वीज़ा है, उसमें एक फ़ीस ज़्यादा बढ़ रही है। सुनना है कि उसमें पहले 60 यूरो जो फ़ीस थी वो 80 यूरो हो रही है। स्टिकर जो वीज़ा था वो स्टिकर का थोड़ा सा प्रिंट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे नकली जो स्टिकर दे दे के एजेंट लूट रहे थे कुछ लोगों को, तो उसकी वजह से ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और जो टीन की जो टीन एज थे, यंग एज थे, यानी कि एडल्ट एज से कम थे, बच्चों के लिए 35 यूरो फ़ीस थी, वो भी मेरे ख्याल से 40 यूरो तक हो रही है वो फ़ीस। तो देखें, ये तो ये फ़ीस सुना है कि ये फरवरी में शुरू हो जाएगा, ये न्यू रूल जो है लागू हुआ है। इसके साथ ही एक और रूल चेंज हो रहा है कि पहले हम 3 महीने तक से पहले ही 3 महीने तक का टाइम होता था जब आप अप्लाई करना होता है शेंगेन वीज़ा, यानी कि मैंने आज अप्लाई करना है तो मैं 3 महीने कम से कम पहले अप्लाई कर सकता था, लेकिन न्यू रूल के हिसाब से आप 6 महीने कम से कम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कि आपको ये फ़ायदा भी हो, इसका फ़ायदा भी है, 6 महीने आप पहले आपको अप्लाई कर सकते हैं, तो यानी कि आपकी पहले प्लान आपका पहले बन जाता है काफ़ी पहले। अगर आप ट्रैवलर हैं तो आपको 6 महीने पहले आप प्लान कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। तो लेकिन जो फ़ीस है वो थोड़ी सी मुझे भी हर्ट कर रही है कि यार ये पहले ही 60 यूरो फ़ीस तो बहुत ज़्यादा थी। VFX वाले जो VFS जो सर्विस है तो वो भी पहले बहुत ज़्यादा लेते थे फ़ीस अपनी, तो इस हिसाब से तो ये फ़ीस एक टूरिस्टों के लिए ज़्यादा हो जाएगी, उनके लिए एक तरह सा बोझ बन जाएगा। पर खैर चलो, जो भी है उनका तो काम नहीं रुकने वाला, लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। पर चलिए, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ताकि आप इन फ्यूचर फरवरी में शुरू होगा अगले साल 2020 को, तो जब भी उससे पहले आप या तो अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद रूल थोड़े से और भी कुछ चेंज हो जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो ठीक है, बाय बाय।